Hey everyone, once again welcome back to Hell Garden। हम आगे अपने BTTH novel के episode number 259 पे। मैं advice करना चाहूंगा कि जिन्होंने से पहले पिछले episode को नहीं देखा है उसे पहले देख लें। खैर चलो time को waste ना करते हुए फटाफट से recap कर लेते हैं। पिछले episode की शुरुआत में हमें जियान और यामी दिखाए जाते हैं। जब यामी जियान से डीमन सेंट हुआंगकान के बारे में पूछते हैं, जियान के चेहरे पे स्टर्न एक्सप्रेशन आ गया था क्योंकि इस डीमन सेंट हुआंगकान के बारे में उसने पहले से सुन रखा होता है। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में डीमन सेंट हुआंगकान हाफ स्टेप दूधी लेवल एक्सपर्ट था। अगर उसकी कल्टीवेशन थोड़ी सी और बढ़ गई होती तो फिर 8 एंशिएंट क्लैंस में एक और एंशिएंट क्लैंस ऐड हो जाता, यानी कि दोधी बेडलाइन कंटिन्यू होती। जब जियान पूछता है क्या हुआ, क्या वो डीमन सेंट हुआंगकान तुम्हारी 9 सरीन डीगुआम पाइथन ट्राइब से बिलोंग तो नहीं करता? ये सुनकर यामी अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं भले ऐसा ना हो लेकिन डीमन सेंट हुआंगकान और हमारी ट्राइब के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हमारी क्लाइब के अंदर डीमन सेंट हुआंगकान का स्टोन टेबलेट है। या शाओटिन फर्स्ट एल्डर ने जो येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम दो स्किल्स का यूज किया था वो सभी स्टोन टेबलेट से आई है, लेकिन उस स्टोन टेबलेट के अंदर ऐसी वैनिक स्किल भी है जिसे हमारे क्लैन में कोई हासिल नहीं कर पाया। उसका नाम है हुआंगकान डिवाइन एंगर। ये येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक एक टीएन क्लास की हाई लेवल की दो स्किल है। ये सुन की जनरल चौंक जाता है। तभी यामिंग बताता है कि उस स्टोन टेबलेट के अंदर डीमन सेंट हुआंगकान का एक रेमिनेंट सोल अवतार है। अब क्योंकि हम मैजिकल बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करते हैं इस वजह से हमारे कल्टीवेशन मेथड्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करने फोकस नहीं करते। तुरंत ही जियान को मामला समझ में आ जाता है। वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इसके अंदर एंटर करूं। ये सुन की यामिंग नोट करता है। वो बताता है कि इन तीनों डिवाइन स्किल्स के अलावा उस स्टोन टेबलेट के अंदर डीमन सेंट हुआंगकान का एसेंस ब्लड भी है, ब्लड एसेंस। इस नाम को सुनकर जियान की आंखें एकदम फायरी हॉट हो जाती हैं। कुछ ही समय के बाद दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था। जियान एक रात तक इंतजार करता है। अगले दिन यामिंग सभी को लेके उस स्टोन टेबलेट के ऊपर चला आया था। जियान को 1000 फीट का पत्थर का टेबलेट दिखाई देता है। इसका कलर येलोइश होता है। कुछ समय के बाद जियान की स्पिरिट उसके आईब्राउज के बीच से बाहर आती है। वो स्टोन टेबलेट में एंटर कर गई थी। अंदर एंटर करने के बाद ही जियान के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में आसमान से वो येलो डिवाइन फिंगर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, फिर नीचे से एक बड़ा सा पाम अटैक उसका कचुमार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। ऑफकोर्स जियान ने दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी एक पहाड़ के ऊपर वाला सेक्शन ब्लास्ट होता है, उस पर एक बड़ा सा सिंहासन यानी कि थ्रोन दिखाई दिया था। इस थ्रोन पे बैठा हुआ होता है एक फिगर। वो डीमन सेंट हुआंगकान का अवतार जियान से इस जगह से बाहर जाने के लिए बोलता है। जियान कहता है अगर तुम रियल होते तो मैं तुमसे फाइट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, लेकिन अब तुम बस एक रेमनेंट थॉट रह गए हो। जियान के ऐसे शब्दों को सुन के वो स्पिरिचुअल अवतार एकदम फ्यूरियस हो जाता है। वो कहता है भले ही अब तक स्टोन टेबलेट में एंटर करने वालों में से तुम्हारी सोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन तब भी तुम बस हेवली स्टेट की सोल हो, वही पे मैं डी स्टेट में एंटर कर चुका था। इन शब्दों ने जियान को एकदम झकझोर कर रख दिया था, लेकिन तभी वो अपने आप को संभाल के उस फिगर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लगता है जियान के ऐसे बिहेवियर की वजह से वो फिगर काफी गुस्सा हो गया है। अचानक से उसकी हैंड सीज चेंज होती है। जियान एक एनिहिलेशन वाले ऑरे को सेंस करता है। उसकी रूह कांप गई थी। अब खैर इसका सामना जियान कैसे करने वाला है चलो हम उसको जानते हैं इस एपिसोड में। इस समय पूरा रियल्म कांप रहा होता है। इवन स्पेस भी अपने आप ही फ्लक्चुएट होने लगा था। इस फ्लक्चुएशन के दौरान जब वो डीमन सेंट हुआंगकान के अवतार को देखते हैं इस समय उसकी स्पिरिचुअल बॉडी में से अजीब सी रिपल्स फैल रही होती हैं। ये फिगर्स एक दूसरे में इंटरटवाइन होके एक 10,000 फुट बड़े फिगर को बना लेती हैं। अगर कोई इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करे तो वो पाएगा कि ये फिगर उस डीमन सेंट हुआंगकान से काफी सिमिलर है। लेकिन जब जियान इस फिगर को देखता है उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई हो। अब इस जियान को लग रहा था कि बिल्कुल वीक और इनसिग्निफिकेंट है। वह गहरी सांस लेने के बाद बोलता है तो डीमन सेंट हुआंगकान की रियल फॉर्म है। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेमिनेंट स्पिरिट ऐसे पावरफुल सोनिक वेव अटैक को रिलीज कर सकती है जो कि डीमन सेंट हुआंगकान की ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो इनविजिबल डीमन सेंट की बॉडी जो कि सोनिक वेव से फॉर्म हुई होती है हम उसे अपने सर को नीचे झुकाते हुए देखते हैं। उसकी इंडिफरेंट आंखें जियान के ऊपर लॉक हो चुकी थी, जिसके बाद ये अपने मुंह को खोलता है। एक एंशिएंट ऑरे से भरी हुई सोनिक वेव किसी लाइटिंग ड्रैगन की तरह स्पेस को चीर देती है। जैसे मुंह वाला साउंड एमिट होता है उस इनविजिबल डीमन सेंट की बॉडी वहीं पर कोलैप्स हो गई थी। ये रियल में कोलैप्स हो जाता है। जैसे जैसे सोनिक वेव आगे बढ़ती है जियान अपनी आंखों से क्लियरली देख पाता है कि स्पेस किस तरीके से कोलैप्स हो रहा है। इस एक्सटर्मिनेटिंग सोनिक वेव की फैलने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है। ये जियान के लिए पहली बार है जब वैसे फास्ट अटैक को इनकाउंटर कर रहा है। इसकी टेरिफाइंग स्पीड की वजह से जियान के पास अपने डिफेंसेस को फॉर्म करने का भी समय नहीं बचा था। जिस मोमेंट में डीमन सेंट के मुंह से आवाज बाहर आती है जियान की सोल जो की जायंट के फॉर्म में होती है इस एक्सटर्मिनेशन सोनिक वेव की फोर्स उसकी बॉडी को दबा लेती है। जियान की सोल बॉडी लगातार बिखरने के साइंस को शो करती है। उसकी सोल बॉडी की पूरी सरफेस पे कई डीप एक्सप्लोजन की आवाजें सुनाई देती है। उसकी बड़ी सी बॉडी देखते ही देखते छोटी होती जाती है और साथ ही साथ में इसका फॉर्म इल्यूजनरी हो रहा था।
था। ये अटैक कुछ ज्यादा ही क्विक था और तो इसका डिस्ट्रक्शन इतना सिंपल होता है जैसे कोई घास काट रहा हो। ये सोनिक वेव किसी तूफान की तरह पूरे रियलम को कवर कर लेती है। इस सोनिक वेव से जो भी टकराता है उसका नाम और निशान नहीं बचता। इस समय जमीन पर डार्कनेस फैल चुकी होती है। इस खाली जगह पे बस वो एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है। वो डीमन सेंट होंगकान उस माउंटेन के थ्रोन पर बैठा हुआ होता है। इस समय उसकी इल्यूजरी बॉडी होती है और भी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। क्लियरली पिछले अटैक की वजह से उसकी काफी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो गई है। डीमन सेंट होंगकान अपने सर को उठाता है। उसकी आंखें सामने के खाली स्पेस को देखती है। वो कहता है तुम्हारे मेरे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से मरना बिल्कुल वेस्ट नहीं है। लेकिन डीमन सेंट होंगकान के मुंह से जिस आवाज बारी आई थी एक फ्लेम का क्लस्टर राइज होता है। ऐसा लगता है जैसे फ्लेम जिंदा हो रही है। ये फिर से एक इल्यूजरी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ऑफ कोर्स ये हमारा जियानी होता है जिसने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को रिसीव किया था। जियान कहता है दोस्त के सच में डीमन सेंट होंगकान के नाम के वर्दी है। भले इसे ग्रेवन स्पिरिट ने यूज किया हो लेकिन तब भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग है। मैं सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि जब एंशिएंट टाइम में डीमन सेंट होंगकान इसका इस्तेमाल करते होंगे तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कैसे लेवल को टच करती होगी। इस समय जियान की सोल बॉडी की चारों तरफ फ्लेम डांस कर रही थी। वो हवा में एक ही कदम को आगे बढ़ा के उस पहाड़ के किनारे पे आ जाता है। फाइनली वो डीमन सेंट होंगकान के लिजरी फिगर को देख के हल्के से स्माइल करता है। जियान के आसपास की हेवली फ्लेम को देख के डीमन सेंट होंगकान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है हेवली फ्लेम, तभी मैं कहूँ कि तुम सर्वाइव कैसे कर पाए। वो अवतार कहता है भले ही तुम्हारे पास हेवली फ्लेम की प्रोटेक्शन हो लेकिन तब भी तुम्हारी सोल काफी डैमेज हो चुकी होगी राइट। जियान हल्के से स्माइल करता है लेकिन वो फालतू में साहस नहीं दिखाता। वो कहता है इन सोल की इंजरी से रिकवर करने के लिए मुझे करीब 10 दिन तक रेस्ट करना होगा। इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ने एक समय के लिए जियान की धड़कनों को रोक दिया था। अगर आज इसे हेवी फ्लेम प्रोटेक्ट ना कर रही होती तो इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की वजह से उसकी सोल को हैवी इंजरी का सामना करना पड़ता। और तो इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की जो सबसे फ्राइटनिंग चीज होती है वो इसकी स्पीड थी। ये किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं देती। डीमन सेंट होंगकान जियान को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। एक पल के बाद उनके चेहरे पे एक रेयर स्माइल अपीयर हुई थी। वो कहते हैं तुम वो पहले इंसान हो जो इतने सारे सालों में मेरी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को डिफेंड कर पाया है। वो आसमान की तरफ देखे खोई सी आवाज में कहते हैं तो फाइनली वो दिन आ चुका है। जियान स्माइल के साथ बोलता है एल्डर मैं बस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के ट्रेनिंग मेथड और डीमन सेंट एसेंट ब्लड के पीछे हूँ। मेरे दिमाग में आपके खिलाफ जाने कोई विचार नहीं है। डीमन सेंट होंगकान का अवतार जियान को देख के स्माइल करके बोलता है क्योंकि तुमने मेरे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को इंड्योर कर लिया है मैं नेचुरली से तुम्हें दे दूंगा। उनके एक इशारे पे एक स्पेशल फ्लक्चुएशन अपीयर हुई थी। ये जियान के सामने जाके फ्लोट करती है। इस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को सेंस करके जियान थोड़ा सा हेस्टेट करता है लेकिन फिर भी वो कॉशियस तरीके से अपने हाथ को इसके अंदर डालता है। जिस पल जियान का हाथ उस फ्लक्चुएशन को टच करता है वो फ्लक्चुएशन जानकारी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये तुरंत ही जियान के माइंड में एंटर करती है। उसे एक ट्रेनिंग मेथड पता चलता है। ट्रेनिंग मेथड के कैरेक्टर्स में छिपे हुए एंशिएंट ऑरी को सेंस करके जियान का दिल खुशी से भर गया था। इस इन्फॉर्मेशन को सेंस करके जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो आंखें काफी समय के बाद खुली थी। इस समय उसके चेहरे की खुशी और भी डांस हो चुकी थी। इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर सिर्फ येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का मेथड ही नहीं है बल्कि येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम के ट्रेनिंग मेथड की भी जानकारी है। जियान अपने दिल की खुशी को सप्रेस करके तुरंत ही दोनों हाथ ऊपर के डीमन सेंट होंगकान को थैंक यू बोलता है। डीमन सेंट होंगकान का अवतार स्माइल करता है। वो कहता है मेरा यहाँ पे मिशन ये था कि मैं उस इंसान का वेट करूं जो मुझे हरा सके क्योंकि इसके उसी को दी जा सकती है। इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का प्रैक्टिस करने का जो क्राइटेरिया है तुम्हारी सोल पहले से उस स्टेट तक पहुंच चुकी है। ये कहने के बाद वो अपने पाम को फैलाते हैं। अब उनकी इल्यूजरी बॉडी के अंदर 10 गोल्डन लिक्विड जैसी चीजों को देख सकते हैं। ये हल्के से फ्लो उनके हाथ में इकट्ठे हो गए थे। पलक झपकते ही गोल्डन लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब इस गोल्डन लिक्विड से बनी हुई बॉल को जियान ध्यान से ऑब्जर्व करता है उसके शरीर के अंदर की छिपी हुई बर्डलाइन एकदम डांस करने लगती है। वो इस लिक्विड को देखते हुए बोलता है कि यही डीमन सेंट होंगकान का एसेंस ब्लड है। वो इसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। उसकी नजरें जाती है डीमन सेंट होंगकान के स्पिरिचुअल फ्रेगमेंट पे। वो मन ही मन में कहता है तभी मैं कहूँ कि स्पिरिट डीमन सेंट होंगकान की ट्रू बॉडी को समन कैसे कर सकती है तो एक्चुअल एसेंस ब्लड इसकी बॉडी के अंदर छिपा हुआ था। डीमन सेंट होंगकान का वो अवतार उस गोल्डन लिक्विड को सहलाने लगता है। वो एक मेलनकॉलिक आवाज में कहता है मैं हजारों सालों की ट्रेनिंग के बाद अपनी सोल को लेजेंडरी डी स्टेट में एडवांस करवा पाया लेकिन अनएक्सपेक्टेड वादे के तब भी मैं उस फाइनल स्टेप को नहीं ले सका। खैर अब तक जियान वक्कन लगाने में टॉप एक्सपर्ट बन चुका है। वो तारीफ करते हुए बोलता है एल्डर आपने अपनी जिंदगी में एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को अटेन किया है। अगर आपकी जिंदगी में तो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया होता तो आप डेफिनेटली 2D क्लास में एडवांस कर पाते। इन दो शब्दों को सुनकर डीमन सेंट होंगकान अपने सिर को लाने लगते हैं। वो कहते हैं हाहा 2D आखिर इतना आसान कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में फिर से कोई 2D अपीयर नहीं होने वाला। ये सुनकर जियान एकदम चौंक गया था। वो पूछता है एल्डर ऐसा क्यों। इस स्टेटमेंट ने उसको हिला दिया था। हालांकि एंशिएंट टाइम से लीड 2D धीरे धीरे कम होते आए हैं और तो अब वो लेवल सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करता है। अगर फाइनल तोशी एंशिएंट गॉड को छोड़ दिया जाए तो सच में ऐसा लगता है जैसे इस कॉन्टिनेंट में कोई और 2D अपीयर नहीं हुआ। ये चीज सभी के दिलों में हमेशा से मिस्ट्री रही है। जियान के शब्दों को सुनकर डीमन सेंट होंगकान के अवतार की आईब्राउज भी नीट हो जाती है। ऐसा लगता है वो किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी समय तक सोचने के बाद वो ऊपर
के खाली स्पेस को देखते हैं। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी की दुनिया में किसी चीज की कमी है। ये सुन के जन की सोल बॉडी ट्रेम्बल होती है। वो कहता है, क्या ये दुनिया किस चीज को लैक कर रही है? वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि डीमन सेंट होगोन आखिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि डीमन सेंट होगोन के शब्द काफी सिंपल हो, लेकिन ये जियान के लिए किसी भूल भुलैया जैसे होते हैं। डीमन सेंट होगोन अपने सिर को हिलाते हैं। उनकी एक्सट्रीमली एंशियंट आवाज जिसमें एक्सपीरियंस की फीलिंग भरी हुई होती है, वो कहते हैं, मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ। इस समय जो तुम देख रहे हो वो बस मेरी पूरी सोल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मेरी बहुत सारी यादें खो चुकी हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा यहाँ पे आ पाना ये भी भाग्य की बात है। तुम्हारा इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगल को रिसीव करना ये तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगल किसी मीडियोकर इंसान को नहीं दी जा सकती है, लेकिन तुम बिल्कुल मीडियोकर नहीं हो। वो गोल्डन ब्लड जियान के हाथ में आ जाता है। उसके अंदर की जो वास्ट और माइटी फ्लक्चुएशन होती है, इसकी वजह से जियान की बॉडी और भी हॉट हो गई थी। वो इस डीमन सेंट एसेंस ब्लड को काफी केयरफुली स्टोर करता है। जब उसका सर फिर से उठता है, उसे सामने का माउंटेन कोलैप्स होता हुआ दिखाई देता है। इसके ऊपर के थ्रोन में भी क्रैक्स फैल रहे थे। डीमन सेंट होगोन की बॉडी हम उसे और भी इल्यूज होते हुए देखते हैं। जियान दोनों हाथ कप करके बोलता है, एल्डर होगोन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियान को डीमन सेंट होगोन की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं, मेरा मिशन कम्प्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे खत्म हो जाने के बाद मेरी अल्टीमेट स्किल्स अपनी चमक को नहीं खोएंगी। जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डीमन सेंट होगोन की तरफ बाव करता है। वो कहता है, एल्डर आप बिल्कुल चिंता मत करो। सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि जैसे इतने सालों से रेमनेंट स्पिरिट इस वजह से सर्वाइव कर पाई है क्योंकि इसके पास वो डीमन सेंट एसेंस ब्लड था। अब क्योंकि एसेंस ब्लड उसकी बॉडी से बाहर जा चुका है, ये स्पिरिट फ्रैगमेंट फाइनली अपने एंड पे पहुंच गए। अब ये दुनिया से गायब हो जाएगा। जियान को बाव करते हुए देख डीमन सेंट होगोन एक बार लास्ट टाइम स्माइल के साथ हंसने लगते हैं। इस इंस्टेंट में उनकी बॉडी पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो सामने के माउंटेन और थ्रोन में से क्रैशिंग साउंड सुनाई देता है। वो सोल बॉडी के डिसअपीयर होने के बाद वो भी कोलैप्स हो गया था। फाइनली वहाँ पे कुछ नहीं बचता। एक ही पल के अंदर सामने के स्पेस को खाली होते हुए देख जियान चुपचाप से सहाय कर सकता था। उसकी इल्यूजरी बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल होती है, वो भी इस रियल्म के अंदर से गायब हो जाता है। इस रियल्म का स्पेस एक पफ साउंड के साथ इस जगह से वैनिश हो गया था। सीन बाहर का दिखाया जाता है। ओल्डर के साइड में खड़ा हुआ कैलिन का ग्रुप लगता है जियान को देखता रहता है। इस समय कैलिन की आईब्रोज नेट हो चुकी थी। उसे सामने के इस पत्थर में से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग आती है। इसके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ छिपी हुई है जिसे यावमिंग के लेवल का एक्सपर्ट भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। हालांकि वो हमेशा से जियान के ऊपर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस समय इन सभी के दिलों में कहीं ना कहीं चिंता आ चुकी थी। कुछ और समय तक इंतजार करने के बाद कैलिन फाइनली खुद को नहीं रोक पाती। वो यावमिंग की तरफ देख के बोलती है, ट्राइबल चीफ यावमिंग, आपकी ट्राइब के लोगों ने पहले जब स्टोन टैबलेट में एंटर किया था क्या उन्हें इसमें इतना समय लगता है? इस क्वेश्चन को सुनकर यावमिंग थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है। वो फाइनली अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है, इससे पहले जब भी मेरे ट्राइब के एक्सपर्ट्स स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर करते हैं, किसी ने भी अब तक इसके अंदर एक घंटे से ज्यादा नहीं बिताया है, लेकिन ब्रदर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे अनयूजुअली पावरफुल लगी है। उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। यावमिंग के शब्दों को सुनने के बाद कैलिन के चेहरे का एक्सप्रेशन और भी डार्क हो जाता है, लेकिन इस समय उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। वो अपनी एंजाइटी को सप्रेस करके जियान के एग्जिट का वेट करने लगती है। इन सभी के इंतजार के दौरान फिर से आधा घंटा बीत जाता है। इससे पहले कैलिन की टोली का सब्र का बांध टूटता, उस स्टोन टैबलेट में से एक इंटेंस ग्लो बाहर आता है। लाइटिंग स्पीड से एक सोल बाहर आती है। ये पत्थर के सामने बैठे हुए फिगर के आईब्राउज के बीच में सीधा एंटर कर गई थी। जियान जो कि स्टोन चेयर पर बैठा हुआ होता है, अचानक से हम उसे अपनी आंखों को खोलते हुए देखते हैं। तुरंत ही उसके चेहरे के रंग उड़ते हैं, वो तेजी से खांसने लगता है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को रिसीव करने से जो इंजरीज हुई है अब वो फाइनली अपने इफेक्ट को शो कर रही है। जियान के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख के कैलिन और बाकियों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। कैलिन कहती, जियान का तुम ठीक हो? ये सुनकर जियान अपने हाथ को वेव करता है। वो कहते हैं, हाल फिलहाल मैं ठीक हूँ। वो डीमन सेंट होगोन का सोल फ्रैगमेंट मेरे लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो काफी हांफने के बाद खुद को शांत कर पाता है। जियान की बात को सुनकर यावमिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो कहते हैं, ब्रदर जियान, क्या तुम भी उस रेमनेंट सोल से डील नहीं कर पाए? जियान बिना कुछ छुपाए एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है, मैं जैसे तैसे करके विक्टोरियस रहा हूं, लेकिन मेरे जीतने के बाद इस पत्थर के अंदर वो सोल फ्रैगमेंट गायब हो गया है। जियान रिप्लाई कर ही रहा होता है, तभी स्टोन टैबलेट में से एक बैंग वाला साउंड आता है। सभी देखते हैं कि जहाँ पे फिंगर और पाम होता है वहाँ पे किसी का चेहरा अपीयर हो रहा है। उस मुंह में से एक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन एमिट होती है। ऐसे माउथ की शेप को देख के यावमिंग एकदम चौंक जाता है। वो कहता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। तुरंत ही उसके चेहरे को खुशी से भरा एक्सप्रेशन कवर कर लेता है। यावमिंग उस जगह पर बैठ के अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सर्कुलेट करने लगता है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस माउथ के शेप को टच करती है, लेकिन इससे पहले वो कोई भी जानकारी ले पाता एक बहुत ही भयानक सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी सोल से आके टकरा जाती है। हमें तुरंत ही ग्रक का साउंड सुनाई देता है। इस फियर्स और वायलेंट अटैक की वजह से यावमिंग खून फेंकते हुए पीछे चला जाता है। हम उसे ऊंची ऊंची सीढ़ियों पे से नीचे रोल करते हुए देखते हैं। एक पल के बाद वो काफी मिजरेबल तरीके से उठ के जियान की टोली के सामने आके लैंड करता है। जब जियान की टोली की अजीब अजीब सी नजरें यावमिंग की बॉडी को देखती है, ऐसे सीन को देख के यावमिंग काफी बिटर फील करता है।
करता है। वो अपने मुंह से खून को पहुंचते हुए बोलता है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि स्टोन टैबलेट के अंदर अभी भी ऐसी स्ट्रेंथ बाकी है। लगता है मेरे पास येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। जियान अपनी अंगूठी में से एक मेडिसिन पिल को बाहर निकालता है। इस हीलिंग पिल को अपने मुंह में देने के बाद वो इस पत्थर की तरफ देखते हुए बोलता है, यह हुआंगकांग स्टोन टैबलेट सच में काफी अजीब है। इसके अंदर का डीमन सेंट हुआंगकांग का 16 अवतार गायब हो चुका है, लेकिन तब भी स्टोन टैबलेट की पावर खत्म नहीं हुई। सच में उस समय में डीमन सेंट हुआंगकांग से कोई कंपेयर नहीं कर सकता था। फिर जियान की नजर जाती यावमिंग के ऊपर। वो कहता है, लेकिन तुम इतना एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को ट्रेन करने का मेथड अब स्टोन टैबलेट से बाहर आ चुका है। जब तुम फ्यूचर में इसके रिक्वायरमेंट्स तक पहुंच जाओ तो तब तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जियान की बात को सुनकर यावमिंग साय करता है। लगता है उसने अपनी उम्मीदें खो दी है। वो कहता है, मैं इस समय एक एडवांस दूसरा दो शैंग हूँ। अगर ऐसी स्ट्रेंथ होने के बाद भी इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो फिर मैं इसके रिक्वायरमेंट्स तक यानी कब पहुंच पाऊंगा। लगता है इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर दो स्किल के साथ मेरी कोई एफिनिटी नहीं है। तुरंत ही उसकी आंखें देखती है जियान को। इन आंखों में एक्साइटमेंट भर जाती है। यावमिंग अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए बोलता है, वृद्ध जियान, क्योंकि तुमने सक्सेसफुली उस सोल फ्रैगमेंट को डिफीट कर दिया है तो तुम्हें डीमन सेंट हुआंगकांग का ब्लड एसेंस भी मिल गया होगा। ये सुनकर जियान स्माइल के साथ बोलता है, तुम थोड़ा चिल मारो, ये स्टोन टैबलेट तुम्हारी नाइन सरीन डीपग्राम पाइथन ट्राइब को बिलोंग करता है। मैं सब कुछ अपने लिए नहीं रख सकता हूँ। ये सुनकर यावमिंग एम्बेरसमेंट के साथ रिप्लाई करता है, वृद्ध जियान, आप क्या कह रहे हो? उन चीजों को हासिल करने के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी है। अगर आप उन्हें मुझसे थोड़ा सा भी शेयर करते हो मैं उससे सेटिस्फाइड रहूंगा। जियान स्माइल के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। उसके एक इशारे पे गोल्डन लिक्विड अपीयर हुआ था। इस ब्लड में से जो माइटी ऑरा फैलता है उसकी वजह से सभी की आंखें चमकने लगती है। जियान इस गोल्डन लिक्विड को लेकर हंस के बोलता है, ट्राइब चीफ यावमिंग, यहाँ पे सारे ऑब्जर्वर्स को फायदा मिलना चाहिए। अब क्योंकि कायलिन और दोनों लेडीज भी यहाँ पे मौजूद है तो अगर मैं उन्हें 3 शेयर्स दे देता हूँ आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? तीनों लेडीज 9 स्टार दोजन के लेवल पे पहुंच चुकी है। हालांकि तीनों का टैलेंट काफी ज्यादा शानदार है लेकिन बेंशेंग क्लास में एडवांस करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। अगर उन्हें डीमन सेंट हुआंगकांग का ब्लड एसेंस मिल जाता है जो कि अपने आधे कदम को दूसरी क्लास में रख चुके थे तो फिर इनका काफी टाइम बच जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो अब तक हमारे जियान को भी नहीं मिली है। आखिरकार यावलो के पास वो एबिलिटी नहीं थी कि वो ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को हासिल कर सके। जियान की बात को सुनकर यावमिंग हंस के बोलता है, हा हा ब्रदर जियान, आप जैसे चाहो वैसे बांटो। वो जानता था कि अगर यहाँ पे जियान नहीं होता तो उसके हाथों में कुछ नहीं आने वाला था। ये सुनकर जियान स्माइल के साथ अपनी उंगली को फ्लिक करता है। वो गोल्डन ब्लड की बॉल तुरंत ही 4 गोल्डन रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये यावमिंग और कालिन की ग्रुप की तरफ चली गई थी। इस ब्लड एसेंस को देख के चारों काफी एंग्शियस लगते हैं। ये सभी बिल्लियों की तरह अपने अपने शहर के ऊपर झपट्टा मार लेते हैं। अगर इसकी खबर फैल जाती है तो इसके ऊपर डकैती डालने के लिए दो शैंग भी आ जाएंगे। 4 गोल्डन लाइट के सेपरेट होने के बाद जियान के हाथ में बस एक अंगूठे के बराबर ब्लड रह गया था, लेकिन तब भी उसके अंदर की एनर्जी को टेरिफाइंग बोला जा सकता है। इस गोल्डन ब्लड को ऑब्जर्व करते हुए जियान के चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि अगर इस ड्रॉपलेट को छोड़ भी दिया जाए तो फिर जियान की स्टोरिंग में इस ब्लड की एक और बूंद रह गई है। लेकिन उसे जियान ने यालो के लिए बचा के रखा है। अब यालो एक हाई लेवल के बेंशेंग है, अगर उन्हें पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है तो उनके लिए दो शैंग में एडवांस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर ये डीमन सेंट के ब्लड एसेंस की बूंद उन्हें मिल जाती है तो बिना किसी डाउट के यालो को ब्रेक थ्रू करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस समय जियान भी बिलीव नहीं कर पाता कि ट्रिप उसके लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। यावमिंग खुशी के साथ डीमन सेंट के ब्लड एसेंस को स्टोर कर लेता है। वो हंस के बोलता है, हा हा डीमन सेंट के ब्लड एसेंस के साथ मुझे अपने ऊपर ये विश्वास है कि मैं अगले 3 सालों में 3 दोशेंग में एडवांस कर सकता हूँ। यावमिंग को इस तरीके से खुश होती हुई जियान स्माइल करता है। कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद पूछता है, ट्राइबल चीफ यावमिंग, मैं इस बार 9 सारी डीपग्राम पाइथन ट्राइब में एक्चुअल में एक रिक्वेस्ट को लेकर आया था। ये सुनकर यावमिंग अपने हाथ को वेव करके हंस के बोलता है, बुद्ध जियान, तुम्हें इस तरीके से पूछने की जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ मुझे रेस्क्यू नहीं किया बल्कि डीमन सेंट एसेंस ब्लड भी मुझे तुम्हारी वजह से ही मिला है। तो मेरी रिक्वेस्ट की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी 9 सरीन डीपग्राम पाइथन ट्राइब का डेप्यूटी ट्राइबल चीफ भी बना सकता हूँ। जियान हंस के बोलते हैं, हा हा मेरे डेप्यूटी ट्राइबल चीफ बनने के बारे में तुम भूल ही जाओ। तुरंत ही जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ग्रेव हो जाते हैं। वो यावमिंग को एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मामले को अच्छे से बताता है। हालांकि जियान के एक्सप्रेशन को सुनने के बाद यावमिंग के चेहरे पे हल्का सा सरप्राइज दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ खास शॉक्ड नहीं होता। वो कहता है, एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के बीच में सिविल वॉर हो रहा है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। मुझे पता था कि कभी न कभी ऐसा होने वाला है। वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर तीनों ड्रैगन एलियंस मिलके सफिशिएंट रिवॉर्ड देते तो जैसा याव शॉर्टन का कैरेक्टर था वो डेफिनेटली 9 सरीन डीपग्राम पाइथन ट्राइब को लेकर उनकी हेल्प करने लगता। अब क्योंकि ट्राइबल चीफ बदल चुका है तो फिर सिचुएशन में भी बदलाव आएगा। ब्रदर जियान, आप इस मामले के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी 9 सरीन डीपग्राम पाइथन ट्राइब उन तीनों ड्रैगन एलियंस की बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है। ऐसी डिसाइसिव आवाज में बोलते हुए यावमिंग अपनी छाती को ठोक रहा था। उस याव शॉर्टन को बस बेनिफिट से दिखाई देते थे, लेकिन यावमिंग चीजों को थोड़ी गहराई से देखता है, क्योंकि अगर तीनों ड्रैगन एलियंस जीत जाते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं उनकी हार होती है तो फिर जैसा एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का कैरेक्टर है वो 9 सरीन डीपग्राम पाइथन ट्राइब से बिल्कुल वॉर छेड़ देंगे। हालांकि वो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक है, बट यावमिंग इस बात को अच्छे से समझता है कि 9 सरीन
एवं पाइथन ट्राइब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के सामने कुछ भी नहीं है। भले ही एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के अंदर स्टैलेमेट कंडीशन ग्रेट हो गई हो, लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास लेजेंडरी ड्रैगन फिनिक्स ब्लडलाइन है। इस वजह से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस बैटल में कौन जीतने वाला है। इस वजह से जब याओमिंग जियान की रिक्वेस्ट को सुनता है वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। भले ही याओशाओटिंग सोचता हो कि इस वॉर में तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड की जीत होने वाली है, लेकिन याओमिंग सिचुएशन को ऐसे नहीं देखता था। याओमिंग जियान को देख के सीरियस आवाज में कहता है, भले ही हमारी 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब इसमें इंटरवीन ना करे, लेकिन हेवन डीवन फिनिश ट्राइब तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स की हेल्प के लिए अपने एक्सपर्ट्स को डिस्पैच जरूर करेगी। ये सुन के जियान हल्के से नोट करता है। यहाँ पे तो जियान बहुत ही लकी रहा है, जैसे 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब का मामला सॉल्व हो पाया। लेकिन जियान को ऐसी उम्मीद नहीं होती कि हेवन फिनिक्स डीवन ट्राइब बस साइड में खड़े होकर पूरे तमाशे को देखेगी। जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है, अगर हेवन डीवन फिनिक्स ट्राइब सच में इंटरवीन करना ही चाहती है तो फिर मुझे भी एक्शन लेने होंगे। उसकी जिया से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, वो सिंपली जिया को तीन ग्रेट ड्रैगन आइलैंड से हारे नहीं देगा। जियान के शब्दों को सुनकर याओमिंग की आंखें एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। वो स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ हाँ क्या हुआ ब्रदर जियान, क्या तुमने कोई सरप्राइज प्रिपेयर किया है? जियान कहता है, क्योंकि वो तीनों ड्रैगन आइलैंड की हेल्प करने के लिए सच में एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करना ही चाहते हैं, तो फिर इससे पहले वहां तक पहुंच पाए मुझे बीच में उन्हें खत्म करना होगा। उसकी आंखें देखती याओमिंग को। जियान कहता है, लेकिन ऐसा करने में मुझे ट्राइबल चीफ याओमिंग की हेल्प की जरूरत होगी। ट्राइबल चीफ, तुम्हारा क्या कहना है? इस सवाल को सुनने के बाद याओमिंग थोड़ी सी गहरी सोच में चला जाता है। वो जानता था कि अगर वो एग्री करता है तो वह हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब को अपोज कर रहा होगा। जियान भी समझ रहा होता है कि याओमिंग के दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। जियान अपनी छाती ठोक के बोलता है, अगर हम सच में इस मामले को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं अपनी लाइफ की गारंटी देके बोलता हूँ कि फ्यूचर में एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब और 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाएंगे। उस समय मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की जो तीन ग्रेट ट्राइब्स हैं उसमें से हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का नाम और निशान मिट जाएगा। इन शब्दों को सुनकर याओमिंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब कितनी पावरफुल है इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकता है। भले ही ट्राइब के चार हिस्से हो गए हो, लेकिन चारों में से किसी पार्ट की स्ट्रेंथ उसकी पूरी ट्राइब से डेफिनेटली पावरफुल होगी। अगर ये भविष्य में फिर से एक साथ आ जाते हैं तो फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की स्ट्रेंथ का लेवल एकदम टेरिफाइंग लेवल पे चला जाएगा। अगर याओमिंग को ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाती है तो फिर कोई भी मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब की पोजीशन को हिला नहीं सकता। याओमिंग कुछ और समय तक शांत रहने के बाद फाइनली अपने सर को ऊपर उठाता है। वो जियान को सीरियस नजरों से देख के डीप आवाज में कहता है, अगर ब्रदर जियान तुम सच में ऐसे गारंटी कर रहे हो तो फिर मैं याओमिंग भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे इस पागलपन में साथ दूंगा। इस सेंटेंस को सुनने के बाद जियान की आंखों में अलग ही लेवल की चमक आ जाती है। जियान हंस के बोलता है, ट्राइबल चीफ याओमिंग, अगर मुझे अपनी कही हुई बात के ऊपर भरोसा नहीं होता तो फिर मैं इस ऑफर को आपके सामने बिल्कुल नहीं रखता। अभी अनडाउटेडली ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन काफी सीरियस है। उन्हें अपने प्राइड और एनिहिलेशन के बीच में क्या चुनना है इस समय ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को अच्छे से पता होगा। याओमिंग तुरंत ही बोलते हैं, इस समय के दौरान मैं अपने कुछ एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करता हूँ जिससे वो हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। अगर उनके एक्सपर्ट्स मूव होते हैं तो हमें तुरंत ही खबर मिल जाएगी। याओमिंग की पर्सनैलिटी काफी डिसाइसिव होती है। उसने एक बार गोल सेट कर लिया तो फिर एक्शन लेने से पहले बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा। जियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राइबल चीफ याओमिंग को थोड़ा सा ट्रबल करना चाहूंगा। इस समय के दौरान हम 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब में रह रहे होंगे। एडिशनली ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ा 9th सरीन स्प्रिंग को यूज करना पड़े। 9th सरीन स्प्रिंग की बात करते हुए जियान की आंखें कालिन को देखती है। उसकी 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब की टेरिटरी में आने का पहला रीजन ये था कि वो 9th सरीन स्प्रिंग की हेल्प से कालिन की बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। याओमिंग हंस के जियान को स्प्रिंग के बारे में बताते हुए बोलता है, हाँ हाँ ये तो बस छोटी सी बात है, लेकिन 9th सरीन स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी बहुत ही डार्क और कोल्ड है। वृद्ध जियान, तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। याओमिंग अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है, क्योंकि स्टोन टैबलेट का मैटर रिजॉल्व हो गया है हमें पहले ट्राइब वापस लौटना चाहिए। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से डील करने के लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी। तुरंत ही उसकी बॉडी मूव होती है, वो अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरफ चला गया था। जियान की टोली से जल्दी से फॉलो करती है। 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब वापस लौटने के बाद याओमिंग ने काफी जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अब क्योंकि उसने ट्राइबल चीफ की पोजीशन को अभी रिगेन किया है वो इतनी जल्दी इतने बड़े बदलाव को नहीं ला सकता है, लेकिन जिस तरीके का उसका कैरेक्टर है ऐसे मामलों को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब याओमिंग फिनिक्स ट्राइब से डील करने की तैयारियां कर रहा होता है जियान के ग्रुप को पूरे एक दिन का आराम करने का समय मिल जाता है। जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है वो 9th सरीन स्प्रिंग की तरफ लौट आए थे। इस समय जियान कालिन को फेस कर रहा होता है। पीछे की 9th सरीन स्प्रिंग में से ठंडी हवाओं को बाहर आती हुई सेंस करके वो स्माइल के साथ बोलता है, इस 9th सरीन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड एनर्जी किसी ऑर्डिनरी एक्सपर्ट के लिए बहुत ही घातक है, लेकिन 7th कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन खुद में एक डार्क और कोल्ड ऑरे को पजेस करता है। इससे इसके अंदर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कालिन नोट करके बोलती है, 9th सरीन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इवन 9th सरीन डिगम पाइथन ट्राइब के यात्रा एक्सपर्ट्स भी इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरे लिए परेशानी नहीं है। कालिन की आवाज की टोन काफी प्राउडनेस से भरी हुई थी, क्योंकि वो इस दुनिया की आखिरी 7th कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन है। उसके पास सारे स्नेक शेप मैजिकल बीस्ट को नीचे देखने की क्वालिफिकेशंस है। जियान स्माइल करके अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एक इशारे पे एक जेड बोतल अपीयर हुई थी। हम इस जेड से बनी बोतल के
आसपास पिल क्लाउड्स को देख सकते हैं। इस बोतल में से एक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन बाहर आती है। जियान इस बोतल को कालिन को देते हुए बोलता है, ये ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल है, ये टीयर 9 की ट्रेजर पिल के लेवल पे पहुंच चुकी है। इसे कंज्यूम करने से तुम्हारी बेंचिंग क्लास में एडवांस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन इसे तुम क्रिटिकल मोमेंट पे कंज्यूम करना क्योंकि तभी इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। कालिन जियान को रिएक्ट नहीं करती, वो नॉट करके अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। वो हल्की सी वॉर्म जेट बोतल उसके हाथ में आ गई थी। जियान कहता है, शायद तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी स्मूथ नहीं जाने वाली है, हो सकता है कि इसमें लगने वाला टाइम काफी लंबा हो। अगर मुझे कुछ मामलों की वजह से बाहर जाना पड़ा तो मैं यामिंग से कहकर कुछ एक्सपर्ट्स को तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलूंगा। कैलिन अपने हाथ में उस जेट बोतल से खेल रही होती है। उसे पता था कि जैसे हेवन फिंस डीमन ट्राइब के लोग डिस्पैच होते हैं, जियान को उन्हें बीच में ही खत्म करने के लिए जाना पड़ेगा। वो फालतू में कमेंट्स नहीं करती, वो पीछे मुड़ के अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। उसके चेहरे पे एकदम इंचेंटिंग एक्सप्रेशन होता है। फाइनली वो जियान के पास आके अपने होठों को उसके पे प्रेस कर देती है। ऐसी सॉफ्टनेस को सेंस करके जियान एक समय के लिए एब्सेंट माइंडेड हो गया था। रिफ्लेक्सिवली उसके हाथ आगे बढ़ते हैं, वो कालिन को हक कर लेता है। सच में से ट्रू टेम्पटेशन बोला जाएगा। इस समय जियान एकदम अल्टीमेट लेवल का सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था। खैर जियान को अपने होशों आवासों को खोते हुए देख वो ब्यूटी उसके बाहों से बाहर आ जाती है। उसकी सॉफ्ट आवाज जियान के कान में ट्रांसमिट हुई थी। वो कहती, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, याद रखना तुम्हारी लाइफ इस क्वीन को बिलोंग करती है। जब वो फिर से इन शब्दों को सुनता है, जियान की सोल एकदम ट्रेम्बल हो जाती है। वो तुरंत ही अपने सर को घुमाता है। वो देखता है कि इस समय कालिन के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ चुकी है। ये स्माइल किसी मास्टरपीस की तरह थी। इस स्माइल की वजह से कालिन और भी कोल्ड और स्ट्रॉन्ग लगती है। जियान इस मोमेंट में कहीं खो चुका था। उसे याद आता है कि सामने खड़ी वुमन जो कि इतना जेंटल वेव कर रही है, वो एक समय पे कोल्ड और रूथलेस मेड्यूसा थी। उस समय मेड्यूसा के नाम से पूरा जामा एम्पायर कांपता था। ये नाम काफी समय तक जियान को भी डराता रहा है। एक ही पल में जिस तरीके से कालिन एक दूसरे इंसान बदल जाती है, ऐसे सीन की वजह से जियान एकदम स्टैंड रह जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ बोल पाता, सामने खड़ी ब्यूटी के चेहरे पे फिर से एक स्माइल आती है। उसकी लवली बॉडी एक बहुत ही बड़ी 7 कर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये पाइथन अपनी पूंछ को फटकारते हुए सीधा 9 सरीन येलो स्प्रिंग के अंदर एंटर कर गया था। उस लेक के अंदर एक बड़ी सी वेव क्रिएट होती है। जिस पल कालिन 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर एंटर करती है, उसका पानी अचानक से खोलने लगता है। हम इसकी सरफेस पे कई बबल्स को बनते हुए देखते हैं। जियान सेंस करता है कि समय 9 सरीन येलो स्प्रिंग की एनर्जी किसी चीज की वजह से वॉलेंट हो गई है। 9 सरीन स्प्रिंग के साइड में खड़ा हुआ जियान काफी समय तक स्टैंड रहने के बाद ग्रेजुअली रिकवर करता है। अब जब उसकी आंखें सामने की लेक को देखती है, जियान के चेहरे पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। जब से उसने लिटिल चाचाओं को जन्म दिया है, तब से कालिन का कैरेक्टर जेंटल हो चुका है। अब वो जियान की सारी रिक्वेस्ट को मानने लगी थी, लेकिन जियान फाइनली समझ जाता है कि वो कोल्ड और प्राउड मेड्यूसा हमेशा जिंदा रहेगी। उसने खुद को जियान और चाचाओं की वजह से खुद को फोर्सफुल एक अच्छी वाइफ और मदर में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इस 9 सरीन स्प्रिंग को देख के जियान साई करके बोलता है, मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ और मदर के बदले मैं चाहूंगा कि तुम अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को रिवील करो। उसकी बॉडी मूव होती है और वो डीप अबिस के एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाके प्रकट हो जाता है। फाइनली जियान इस पे बैठ गया था। फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स को ब्लॉक करने से पहले उसे अपनी स्ट्रेंथ को एडवांस करने की जरूरत है। तुरंत ही जियान अपनी आंखों को बंद करता है। उसके माइंड में कई थॉट्स फ्लैश होने लगते हैं। जियान मनी मन में कहता है, येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, इन तीनों येलो स्प्रिंग अल्टीमेट स्किल्स को उस डीमन सेंट के सोल फ्रेगमेंट ने मेरे दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया है। डीमन सेंट हांगकांग के जिंदा होने पे उन्होंने जो जो ऑब्जर्वेशन इसके बारे में समझी होंगी वो भी इस जानकारी में शामिल है। सच में ऐसी ब्लेसिंग से वो स्टोन टैबलेट की दूसरी क्या ही कंपेयर करेंगे जिन्हें यामिंग और बाकियों ने हासिल किया है। हालांकि जियान ने इन तीनों दो स्किल्स को अभी ऑब्टेन किया है, लेकिन वो अपने ऊपर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट होता है कि येलो स्प्रिंग दो स्किल्स उसके हाथों में यामिंग और बाकियों से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को अनलीश करेगी। डीमन सेंट हांगकांग ने अपनी लाइफ में जो भी नॉलेज को इकट्ठा किया वो बिल्कुल यूजलेस नहीं है। रिगार्डलेस बाकी के लोग इन स्किल्स को कितनी अच्छी स्टडी करने की कोशिश करें, लेकिन सभी की अंडरस्टैंडिंग इसके क्रिएटर से अच्छी कभी नहीं हो सकती। जियान के दिमाग में थॉट फ्लैश होता है, उसके हाथ में गोल्डन ब्लड का ड्रॉप अपीयर हुआ था। वो कहता है, डीमन सेंट एसेंस ब्लड डीमन सेंट हांगकांग की स्ट्रेंथ को पजेस करता है, अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर पाता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ डेफिनेटली राइज करेगी। इस छोटे से गोल्डन ड्रॉप की वजह से आसपास की एनर्जी एकदम फ्लक्चुएट करने लगती है। जियान क्लियरली सेंस करता है कि उसके आसपास के 1000 मीटर रेडियस की एनर्जी इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रही है। सिचुएशन को ऐसे होते हुए देख जियान के चेहरे पे अपने आप ही स्माइल आ गई थी। वो कहता है, सच में डीमन सेंट एसेंस ब्लड कहलाने का वर्दी है। जियान के लिए पहली बार होता है जो उसने इतनी खतरनाक एनर्जी को हासिल किया हो। इसने आसपास की नेचुरल एनर्जी को डरा के भगा दिया है। उसकी आंखें नीचे 9 सरीन स्प्रिंग को देखती है। जब उसे कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, फाइनली वो रिलीफ फील करता है। जियान कहता है, कुछ और कहने से पहले मैं इसे रिफाइन करूंगा। जियान अपने मुंह को खोलता है, एक फिल्म का क्लस्टर बाहर आया था, ये उस गोल्डन ब्लड से लिपट जाता है। हालांकि एसेंस ब्लड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन जियान को लट रहने में कोई परेशानी नहीं है। उसकी फ्लेम इस गोल्डन ब्लड को लगातार 3 घंटे तक जलाती रहती है, लेकिन इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन फॉर्म नहीं होती। कोई भी दूर से देखने वाला तो ये समझेगा कि जगह पे फाइटिंग हाई टेम्परेचर बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। ये रिफाइनमेंट 4 घंटों तक चलती रहती है। फाइनली जियान अपनी आंखें खोलता है। जैसे वो अपने मुंह को फिर से खोलता है, ये फ्लेम का क्लस्टर जिसके अंदर गोल्डन ब्लड भी था वो लाइटिंग स्पीड से जियान के मुंह के अंदर चला जाता है। जिस पल्ली गोल्डन ब्लड जियान की बॉडी में
एक्सपेरिमेंट किया था। बैंग साउंड के साथ जान के सारे सारे कपड़े डस्ट में बदल जाते हैं। उसके शरीर से एक फाइटिंग लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन फैलने लगती है। इससे आसपास के बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से हिलते हैं जब तक उनमें बड़ी बड़ी क्रैक लाइंस फैल न गई हो। इस समय जान के पास बाहरी दुनिया के बारे में जानने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। वो डीमन सेंट हांगकांग का एसेंस ब्लड कई वायलेंट एनर्जी की वेव्स को रिलीज करने लगा था। वो खून की बूंद जान के शरीर के अंदर एकदम रैम्पेज करने लगती है। एनर्जी के इस तरीके से ओवरफ्लो होने की वजह से एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्रिएट हो रही थी। जान ने भी इमेजिन नहीं किया था कि इस ब्लड की ड्रॉपलेट के अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा वायलेंट होगी। ये फियर्स और अनकंट्रोल एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इसे कंज्यूम करने पे एक 5-star दुश्मन की बॉडी ब्लास्ट हो सकती है। अच्छी बात है कि इस समय जियान की बॉडी का लेवल उस लेवल से कई गुना सरपास हो चुका है। भले ही अपने शरीर के अंदर ऐसे चेंजेस की वजह से जियान थोड़ा स्टार्टल हो गया हो, लेकिन वो तुरंत ही अपने दिमाग को काउंट डाउन करता है। ऐसा करने के बाद जियान इस एनर्जी को स्थिरता से अब्सॉर्ब करने लगता है। उसकी ऐसी परफेक्ट कंट्रोल की वजह से ये वायलेंट एनर्जी सही से बिहेव करने लगी थी। हेवली फ्लेम की बढ़ने की वजह से ये धीरे धीरे जेंटल होने लगती है। अंत में जाकर कई छोटी छोटी एनर्जी के रेशों में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की पूरी बॉडी में फैल जाती है। हम फिर से बाहरी दुनिया का सीन देखते हैं। जियान जो कि उस टीले पे बैठा हुआ होता है, उसके साथ छोड़ते समय उसकी नोक से रिच एनर्जी बाहर आती है। इसकी वजह से जियान किसी फ्यूरियस ड्रैगन की तरह लगता है। यह एनर्जी फाइनली ऊपर जाके इस दुनिया के एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। अब खैर जियान की ट्रेनिंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कितनी राइज होने वाली है उसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ेगा। अब समय नेक्स्ट आर्क के शुरू होने का भी आ गया है। अगले पार्ट में जियान की टोली की मुलाकात हो रही होगी 3 हेवन डेमन फीनिक्स से। इस एम्बुश के दौरान जियान दो शेंग से फाइट कर रहा होगा। अगर आप इस फाइट को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताओ, जैसे मैं भी समझ पाऊं कि किस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब जहां तक बात है रिकैप की, तो जिन्हें रिकैप पसंद नहीं है वो डायरेक्टली रिकैप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने रिकैप का ऑप्शन फ्यूचर के व्यूअर्स के लिए रखा है। आखिरकार स्टोरी को बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। चैनल की मेंबरशिप सभी ओपन है, जो भी इसे ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे सारे मेंबर्स अर्ली एक्सेस के फीचर को एंजॉय कर रहे हैं। चलो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट न करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। वैसे ज्वाइन का बटन मिलेगा आपको चैनल के होम पेज पे। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।